तो पीछे आप लोग जो देख पा रहे हैं टावर है, ये है टावर ऑफ टेंगरा। और ये टावर ऑफ टेंगरा के सामने एक बहुत ज़्यादा फेमस डिश को आज हम लोग कवर करने आए हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को जरूर एक लाइक कर दे, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स सुने हैं ये जो टेंगरा है, इस टेंगरा टावर के सामने ही एक भैया जी बैठते हैं जो कि चुस्ता बट मटन का घुघनी ये सब बेचते हैं। तो इस तरह का वीडियो हम लोग पहले भी बहुत कर चुके हैं और उस पर आप लोगों ने भरपूर प्यार बरसाया है। तो इससे पहले भी हम लोगों ने चुस्ता और चाउमीन का वीडियो किया था, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ज़रूर देखिए, उस पर आप लोगों ने भरपूर प्यार बरसाया था। तो चलिए आज फिर से उसी तरह का एक डिश आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। अभी मैं आ गया हूँ ये देखिए अरुण दा का दुकान में, जो कि टेंगरा टावर जो आप लोगों ने देखा, टेंगरा टावर के ठीक सामने यहाँ पर बैठते हैं। ये देखिए ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये है क्रिस्टोफर पार्क, और क्रिस्टोफर पार्क के गेट के ठीक सामने अरुण भैया यहाँ पर बैठते हैं। ये सब चुस्ता बट उसके बाद फिर चिकन का लेग, ये सब बहुत सारा आइटम लेके यहाँ पर बैठते हैं। तो चलिए एक एक करके उनसे प्राइस जानेंगे कि क्या प्राइस है, और खा के तो आप लोगों को टेस्ट बताएंगे ही कि आखिर इस चुस्ता और चाउमीन का स्वाद कैसा है। आइए कभी तो होगा এটা মাথার মাংসটা নাকি? भैया नमस्ते। भैया आपका नाम? अरुण प्रामाणिक। अच्छा, और आपका ये दुकान का थोड़ा सा पहले एड्रेस बताइए। टेंगरा पाचकोड़ी स्कूल। अच्छा, तो आपके यहाँ पर क्या क्या मिल जाता है? खस्सी का बर्ड, घुघनी, फेवड़ा, चुस्ता, नली, कलीजी। अच्छा, ये सब सब रखते हैं। तो टोटल कितना किलो ये सब आइटम रखते हैं? जितना माल मिलता है किलो का, कोई हर दिन लगभग फिर भी 20 किलो। अच्छा, तो यहाँ पर क्या क्या है थोड़ा सा हम लोग दिखाइएगा। खस्सी का बट रहता है। अच्छा, ये खस्सी का बट है, और ये चुस्ता है क्या? चुस्ता अलग से है। अच्छा, चुस्ता तो बहुत बड़ा बड़ा साइज का, थोड़ा सा दिखाइए चुस्ता। बाप रे, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? चर्बी भरा हुआ है। तो चुस्ता कितना करके लेते हैं? चालीस रुपया करके चुस्ता लेते हैं। और बट कितना लेते हैं? 20 रुपया प्लेट। अच्छा, उसके बाद ये खस्सी का घुघनी है। ये खस्सी का घुघनी है, खस्सी का छांट से बनाते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या क्या मसाला क्या देते हैं? मसाला जो घर का मसाला होता है वही सब रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जीरा धनिया यही सब देते हैं ना। अच्छा, और ये कलर जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? वो आ जाएगा चर्बी के लिए आता है। चर्बी के लिए आता है। अच्छा, इसका प्राइस क्या लेते हैं? इसको 20 रुपया प्लेट। 20 रुपया प्लेट। अच्छा, उसके बाद मुर्गी का पैर है। ये मुर्गी का पैर है ना। 5 को 10 रुपया। माँ तो इतना कम प्राइस। इतना कम। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। और ये खस्सी का फेफड़ा है, नली है। खस्सी का फेफड़ा है, नली है, है। अच्छा, आपको कलेजी है। कलेजी है। अच्छा, फेफड़ा कितना करके? फेफड़ा 25 रुपया। 25 रुपया। नली 50 रुपया। नली 50 रुपया। कलेजी 30 रुपया। चरवदा भी रखते हैं क्या? चरवदा रहता है, आज माल मिले नहीं। अच्छा, माल नहीं है। ये नली है, खस्सी का नली है, 50 रुपया। 50 रुपया नली। अच्छा, चलिए ठीक है। और साथ में और क्या देते हैं इसका? ये साथ में का रोटी वोटी रहता है, नाश्ता वास्ता करता है। अच्छा, रोटी रहता है, नाश्ता रहता है। तो रोटी का क्या प्राइस लेते हैं? 3 रुपये। 3 रुपये करके पीस। अच्छा, तो आपका यहाँ पर बैठने का टाइमिंग थोड़ा सा बताइए। 5 बजे
5 बजे से बैठते हैं और उसका जितना बजे तक माल रहता है उतना है, जो ना टाइम अच्छा माल खत्म उठ के चला जाए। अच्छा अच्छा ठीक। कली दीदी क्या অনেক কালার আছে এই জন্য তো ফ্রেন্ডস फाइनली देखिए हम लोगों ने लगवा लिया यहाँ पर चाउमीन और घुगनी। चाउमीन हालांकि यहाँ पर नहीं मिलता है, चाउमीन के लिए दो दो दुकान है मोड़ पे, जस्ट वो जो टेंगरा टावर देख रहे हैं उसके बगल में ही उस साइड में एक चाउमीन का दुकान है और इधर भी एक चाउमीन का दुकान है, तो लोग वहीं से चाउमीन वगैरह लेके आते हैं या फिर यहाँ से लेके जाते हैं उसके बाद उसको डाल के खाते हैं। बहुत कोई तो सुने हैं यहाँ पर चावल के साथ भी ये जो घुगनी है या फिर चुटका है ये सब ले जाके घर में खाते हैं। तो शंभू अंकल का जो घुगनी और चाउमीन हम लोग टेस्ट किए थे वो तो जबरदस्त लगा था। आज अरुण भैया का ये जो चाउमीन है और ये जो चर्बी है या फिर मटन घुगनी कह सकते हैं उसको टेस्ट करते हैं, चलिए देखते हैं कैसा लगता है। यहाँ पर भर भर के यहाँ पर ये देखिए ग्रेवी दिए हैं वो और ये कलेजी वगैरह है, थोड़ा सा लेते हैं बड़ घुगनी चुस्ता फेबरा नोली की लगे मेटे ना ना ओइखन जान जन सब आ को दियो काट चान पागला गोदा गाड़ी एटा धरो हाथे दे दी ढेले जबरदस्त गरम मसाला प्याज वगैरह से जबरदस्त इसको कसाया गया है जिसके कारण किसी तरह का कोई बदबू नहीं है। यही सब तो बहुत अच्छा चीज लगा कि किसी तरह कोई बदबू नहीं है, क्योंकि अक्सर बहुत सारा जगह पे चुस्ता वगैरह अगर हम लोग आठ का मीट खाते हैं तो बहुत ज्यादा बदबू आता है, बट यहाँ पर किसी तरह कोई बदबू नहीं है, ये बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा और लेते हैं ये देखिए चर्बी के साथ बोला मौसा का बुलाने से अच्छा होगा, पिताजी का बोला का फायदा है चाउमीन के साथ समझ जाने बंगला जो समझ गए हिंदी भी था नॉर्मली इसको लोग रोटी वगैरह के साथ खाते हैं, बट इस एरिया में लोग स्पेशली चाउमीन के साथ इसको कैसा बेटी हम लोग है करते हैं, इसका कारण ये है कैसा बेटी हम लोग को पाने दो बस मतलब खराब हो जाएगा। जबरदस्त लगा। तो ये देखिए इस तरह का कलेजी वगैरह दिया गया है, बड़ा बड़ा पीस है यहाँ पर कलेजी का, थोड़ा सा लेते हैं कलेजी से। लग रहा है कि कैडबरी का टुकड़ा है, जबरदस्त। तो चलिए इसे मैं कर लेता हूँ कंप्लीट, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर जो चिकन लेग पीस मिलता है इसका स्वाद कैसा है। थोड़ा सा कलेजी, थोड़ा सा चाउमीन, थोड़ा सा चर्बी, सबको लेके एक साथ। तो फिर जाना जाए ना मेरे घर पर आवाज चला थी तो हमारे जन्म कर सामने जबरदस्त अगला तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह का जो चिकन लेग पीस है यहाँ पर दिया जाता है 5 पीस मात्र 10 रुपया। तो इससे सस्ता और आपको शायद हमको नहीं लगता ये कहीं मिलेगा। इसके पहले भी हम लोग धूलागढ़ में एक वीडियो किए थे, वहाँ पर आप लोगों ने दिखाए थे चिकन लेग पीस इस तरह का। तो चलिए वहाँ का तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था, यहाँ का कैसा है थोड़ा सा देखते हैं। तो इस तरह का पतला ग्रेवी है और एकदम गर्मा गर्म है, जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं सब कुछ यहाँ पर गर्मा गर्म ही एकदम सर्व किया जाता है। तो ज़बरदस्त, एकदम पतला ग्रेवी, ज़्यादा मसाला नहीं है, बहुत अच्छा लगा। तो नॉर्मली आपको पता होगा कि इस तरह का चीज़ कौन लोग ज़्यादा खाते हैं, तो ये मैं खुल के अब बता नहीं सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन आप लोग सब कुछ समझते ही हैं। तो उन लोगों के लिए ये सब चीज़ क्या बोले, एकदम मतलब सोने पे सुहागा है। तो चलिए और एक टेस्ट करते हैं।
जबरदस्त, पूरा मुंह में चारों तरफ मेरा लग चुका है खाने के चक्कर में। तो चलिए खा के तो मुझे ज़बरदस्त लगा। वीडियो देख के आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा लाइक कमेंट करते हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। तो इसी तरह लाइक कमेंट जारी रखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करके ऑल कर देगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में इसी तरह कुछ नया धमाल लेकर, तब तक के लिए गुड बाय। ज़बरदस्त।